गंगू चांद थी और चांदी थी। पिक्चर कैसी लगी? आलिया भट्ट ने क्या गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए चार्ज किए वॉपिंग 20 crores? आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी क्या बॉक्स ऑफिस पर ऑलरेडी साबित हुई हिट फिल्म? और आलिया भट्ट को किसने बुलाया खालिया बटर? एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को अब तक क्रिटिक्स और फैंस दोनों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। खास तौर पे आलिया भट्ट के इंडस्ट्री फ्रेंड्स इस फिल्म की जमकर कर रहे हैं तारीफ, और आलिया भट्ट एक खास तारीफ से है सबसे ज्यादा खुश। दरअसल आलिया भट्ट अपनी फिल्म को मिले इस स्पेशल मेंशन ऑन अमूल क्रिएटिव से है काफी ज्यादा खुश। आलिया भट्ट ने इस क्रिएटिव को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, ओ माई गॉड विथ हार्ट इमोजी। इस क्रिएटिव में आलिया भट्ट की फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए लिखा गया है, खा लिया बटर। इसी बीच रिपोर्ट्स आई हैं कि आलिया भट्ट ने अपनी इस फिल्म के लिए वॉपिंग 20 crore रुपीज चार्ज किए हैं। वहीं इससे पहले कहा जा रहा था कि आलिया भट्ट ने संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के लिए मेजर पे कट लिया है। वैसे आलिया भट्ट इंडस्ट्री की सबसे एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेसेस में से एक बन गई हैं, और जिस तरह गंगूबाई काठियावाड़ी ने अपने ओपनिंग वीकेंड में मोर देन 38 करोड़ का बिजनेस किया है, उससे ये भी साबित होता है कि वो अकेले अपने दम पर किसी फिल्म को आगे ले जा सकती हैं। क्योंकि इस फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा अजय देवगन नजर जरूर आए हैं, लेकिन अजय देवगन का रोल है काफी छोटा और वो इस फिल्म के प्रमोशंस में भी नजर नहीं आए। यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑन आलिया भट्ट शोल्डर्स। वैसे गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया भट्ट के लिए सिर्फ शुरुआत है। आलिया भट्ट इसके अलावा कई मैग्नम ओपस फिल्म्स में नजर आने वाली हैं, विच इंक्लूड्स RRR एंड ब्रह्मास्त्र। आलिया भट्ट ने इन दोनों ही फिल्म्स की शूटिंग को पूरा कर लिया है और अब कुछ ही समय में ये दोनों फिल्म्स रिलीज होने वाली है। जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू। Thank you so much.